हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। दो तीन दिन लेट हो गया ये फिजिक्स का क्लास, लेकिन प्रॉपर आज का और ये जो अगला क्लास आने वाला, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएं तो यहाँ पे हम करने वाले हैं डेरिवेशन। आज तो हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये पूछा जाता बाई के और सिग्मा में रिलेशन इस साल के यूपी वर्ल्ड के पेपर में, सॉरी यूपी वर्ल्ड कह रहे हैं, इस साल के यूनिवर्सिटी के पेपर में बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन ये पूछा गया है, प्लस डेफिनेशन पूछी गई है। तो अभी अपना जो टॉपिक है उसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। सरल भाषा में समझ लो, मम्मी ने कही जाओ इलास्टिक ले आओ जाके। ठीक है, अब इलास्टिक लेने गए, खींची, छोड़ी तो वो वापस लौट आई। तो जो वापस लौटने का गुण होता है इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। तो हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया, किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इस पर से फोर्स हटा लेने से वह अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट आती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, तथा प्रत्येक बॉडी की इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है जिसे हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बिल्कुल आसान है, लिमिट का मतलब सीमा। मम्मी ने मंगाई एक मीटर, खींच खींच के 5 मीटर कर दी, वापस छोड़ोगे वापस आएगी क्या? नहीं सर, इसका मतलब क्या है कि एक लिमिट के अंदर अगर आप उसे खींचेंगे छोड़ देंगे तो पता जाएगी। कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, क्यों? क्योंकि अरे कौन है यार, आइडियल है कौन? कुछ नहीं है। किसी भी चीज को खींचोगे थोड़ा बहुत तो डेविएशन होगा ना सर। ठीक है, जैसे क्वार्ट्ज है, फास्फर ब्रांज है, ये दोनों मटेरियल हैं जिन्हें हम लोगों ने मान रखा है परफेक्टली इलास्टिकल, एक्चुअल में कोई नहीं होता है। दूसरी हेडिंग है प्लास्टिसिटी, उसे आप इलास्टिसिटी का उल्टा प्लास्टिसिटी कह लो, या फिर उसी को इन इलास्टिसिटी कह लो। तो जाहिर सी बात, जो खींचने पर लौट आते हैं वो इलास्टिक होते हैं, जो नहीं लौटते हैं वो प्लास्टिक होते हैं। तो ये लो, किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इस पर से फोर्स हटा लेने पर वह अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं लौटती, प्लास्टिसिटी कहलाती है। जैसे भैया चौक हो गई, ठीक है, चौक क्या है, इन इलास्टिक है, क्ले हो गई, ठीक है, आपने देखा बच्चे लेके आते हैं मिट्टी वगैरह, जो खींच के छोड़ दिया वापस नहीं आती है सर, पाउडर हो गया, इस तरीके की चीजें। ठीक है सर, उसके बाद आ गया स्ट्रेस। अब भैया ये स्ट्रेस क्या होता है, सरल भाषा में आते हैं, आओ ये जरा सोच लेते हैं भैया स्ट्रेस होता क्या। जब कभी आप लोगों से कहा जाता है यार दिमाग पे बड़ा स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस का मतलब क्या है, इसके ऊपर बल लग रहा है। बल लगने का मतलब वो बल एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। इंटरनल हो सकता है अंदर से तबीयत नहीं सही है, तो मान लिया अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो आपके माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। बाहर से किसी ने हड़का दिया, तू कल बाहर मिलना, कर उधर से निकला देख लेना तेरी ऐसी कैसी जेब हो, अब बड़ा टेंशन लेके घूम रहा है, स्ट्रेस तनाव लेके घूम रहा है। यानी स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। फार्मूला होता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल यानी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जो अभी हम आपको डेरिवेशन बता रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, तुमने यहां लिख दिया। यह एक प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग क्या है? खींचा इलास्टिक को, छोड़ा तो जो वापस ले जाना चाह रहा है उस वाले फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग, रीस्टोर करना चाह रहा फोर्स होता था। किसी मटेरियल के यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं, यानी एफ इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। फार्मूला हमने लगा दिया, स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने रीस्टोरिंग फोर्स को आर से लिख लिया, अगर टोटल फोर्स रीस्टोरिंग के बराबर ही है तो आर को आप एफ से लिख सकते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, बी डी केडियन बी एस सी आप सर्च करेंगे और जाके आराम से काम करना शुरू कर देंगे। केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बी डी केडियन पे बनी हुई है, यूट्यूब चैनल हमारा मेन चैनल, उस पे जाके पढ़िए आप। बॉटनी का एक क्लास आ गया है, कल दूसरा क्लास भी आने वाला है, तो मन लगा के बस पढ़ना है। आप देखिए हम लोगों के बैनर पर लिखा हुआ, आप बस मन लगा के पढ़िए, जिम्मेदारी हमारी है, बस इतना सा खेल है। स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ इक्वल टू आ गया आर अपॉन ए। ठीक भैया, हमने लिख दिया यदि रीस्टोरिंग फोर्स का मान टोटल फोर्स के बराबर है तो आर की वैल्यू किसके बराबर रख दी, एफ के, यानी एफ इक्वल टू एफ अपॉन ए। यानी आपको नंबर एक फार्मूला, जो पेपर में कुछ नहीं आएगा, पेपर में जो नहीं पूछा जाता, पेपर में बाई की वैल्यू पूछेगा, सिग्मा पूछेगा, ईटा पूछेगा, वो भी हम उस पर इंपॉर्टेंट लिखवा देंगे। हम बार बार कहते, जैसे एक लड़की पढ़ने आती थी, ठीक है, तो अब उसकी क्या हुई, हमने देखा जिस दिन पेपर था तो हम गए, उसके कार्ड था, उसकी दीदी की शादी थी, तो हम गए भाई, देखा मस्त चिल कर रही, मौजबाजी कर रही, उसके बाद कह रही सर जी नंबर कम आए।
इंपॉर्टेंट क्या होते हैं हम आपको लिख के, बीएससी में पास होना बहुत आसान है, जिस पे हम इंपॉर्टेंट लिखवाए उस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, उतना भी पढ़ के जाएंगे। जैसे हमने केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन बताए, कोई 7 भी पढ़ लेता है तो हमें मालूम है वो फेल नहीं होगा, अच्छे नंबर ले आएगा। 7 में आप आराम से नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट लिखते चलिए, और जो भी यूनिवर्सिटी है आपका सिलेबस मिलाइए। अब आप कक्षा 9-10 में नहीं है कि राम आम खाता है तो आम ही खाएगा तभी लिख के आएंगे, राम अमरूद खाएगा तब भी आपको बनाना पड़ेगा, भाई अब तो लेवल और बढ़ गया, राम नहीं खाएगा तब भी खिलाना पड़ेगा उसको, तो थोड़ा सा समझिए, खुद भी थोड़ी रिसर्च करिए भाई, ठीक है। अगर मात्रक इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर बल है यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होती है यूनिट, और एरिया की क्या, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन यानी इसकी बीमा होगी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहली होती है लीनियर स्ट्रेस। अब ये लीनियर स्ट्रेस क्या होता है भाई, लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में, ले भैया यहीं आप एक कोई इस तरीके की मान ले बॉड, चलो जय है यार पकड़ा ही देता, खींचा इसे, जब खींचेंगे तो इस पर तनाव आएगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस। तो ये देखिए हमने दिखाया आपको, या तो खींच रहे हैं और या फिर क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दोनों तरीके से लीनियरली जो भी करना है सीधे सीधे करना है। तो किसी रॉड के यूनिट एरिया में लगने वाले लीनियर फोर्स को लीनियर स्ट्रेस कहते हैं, लीनियर फोर्स को लीनियर स्ट्रेस कहते हैं। इसे डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं या एक्सियल स्ट्रेस भी कहते हैं या नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, इतने सारे नाम होते हैं इसके, इतना सब हम आपको लिखा रहे हैं, लेकिन आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। बोलिए बोलिए, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी ये फार्मूला आपको याद कर लेना जो अपने लोगों को डेरिवेशन में काम आएगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला अपने काम में आने वाला है, तो इसे आप याद कर लें बिल्कुल, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा प्रकार होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल का मतलब क्या, एक तरीके से कह दो पृष्ठ पे लगने वाला, लंबवत कह लो, ठीक है, सरल भाषा में, हिंदी भी कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं यार क्या ही बताएं। तो अब ये देखो भाई, ये है इसका, क्योंकि एक्चुअल में कुछ बच्चे कह रहे हैं शुद्ध, या तो शुद्ध हिंदी लिखाओ या शुद्ध इंग्लिश लिखाओ, मिक्स में हमें भी दिक्कत होती है, लेकिन खैर अब बच्चे हैं तो शुद्ध हिंदी में नंबर भी थोड़े से नहीं सही मिलते हैं, इसलिए मिक्स में कराया जा रहा, क्योंकि बेचारे यूपी बोर्ड वाले बहुत हैं। तो अब ये देखिए अपने पास एक क्यूब टाइप है, ये इसकी सरफेस है, इस पे जो फोर्स लग रहा है उस पे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यह एक प्रकार का टेंजेंशियल फोर्स होता है, इसे एफटी से लिख सकते हैं, एफएस से लिख सकते हैं, क्यू से लिख सकते हैं, टाउ से डिनोट कर सकते हैं, और एफएस इक्वल टू होगा एफएस अपॉन ए। सरल भाषा में अलग अलग तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन सारा खेल वही है, चाहे उसे आप टेंजेंशियल कह लो, वही वाली बात है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, वो कोई हो, वो चाहे भैया टेंजेंशियल हो और चाहे वो ठीक है लीनियर हो, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष आदमी सबको मानते हैं, जो खुरापाती है बोले नहीं, अभी 2-4 लोग कमेंट करें नहीं हम तो भगवान को ही मानते हो, कहें नहीं टेंजेंशियल टेंजेंशियल है, हम वो उसकी बात नहीं कर रहे, दोनों में बहुत फर्क है, समझाने पे आएंगे तो भी एक घंटा निकल जाएगा। सरल भाषा में हम ये कह रहे हैं, पेपर में जो डेरिवेशन आता है उसमें हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे जिसका नाम होगा फोर्स प्रतिबल यानी स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एफ एस इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये फार्मूला आप याद रखें, बाकी ये कुछ भी पेपर में इतना नहीं आता। बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग क्या होता है, बियर मतलब होता है सहन करना। अब मान लिया यहां पर ये हाथ है मेरा, ठीक है, इस पे हम लदे, अब एक आदमी खड़ा करें कितना बियर मतलब कितना लोड ये झेल सकता है, जितना लोड झेलेगा वो इसकी बेयरिंग स्ट्रेस कहलाएगी। यह स्ट्रेस किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में कांटेक्ट से प्रोड्यूस होता है। बियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू लोड ऑन द सपोर्ट अपॉन एरिया ऑन द सपोर्ट, यानी जितना भार उसके ऊपर जितना वजन लग रहा है, एक्चुअल में भार भी बल ही होता है। मान लिया मेरा भार अगर 90 किलो है मेरा वेट, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में बल है। अगर मैं सीट के ऊपर खड़े होंगे तो सीट पर कितना बल लगेगा, 90 किलो ही तो लगेगा। W इक्वल्स टू एम जी और F इक्वल्स टू भी एम जी होता है, यानी जो भार है वही, जो वेट है वही फोर्स है, ठीक है, सुना होगा, जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा है वही चाचा, चाचा कोई है ही नहीं। उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रेन, ठीक है, तो अभी आपने पहले क्या देखा, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे विकृति, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन मतलब होता है विकृति, 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 अब जो विकृति क्या होती है, सॉरी प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल था विकृति बोल गए, ये विकृति क्या होती है, विकृति भैया जो होती है कोई भी चीज की आकार को बिगाड़ देना। पहले मान लिया थी 1 मीटर इलास्टिक, खींच खींच के कर दी 1.5 मीटर, तो उसका आकार कितना बदल गया, 1 से 1.5 मीटर हो गया, यानी आधा मीटर बढ़ गया, यही तो है। तो स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जितना चेंज हुआ उसे ऊपर लिख देंगे, टोटल वाले को नीचे लिख देंगे। फार्मूला इसके भी प्रकार होते हैं, पहला क्या होता है लीनियर, बिल्कुल भाई सही होगा, ये देखिए लीनियर वाली है, इसमें चाहे तो आप खींच लें और चाहे तो आप, मान लिया इसे खींचा तो खींच के लेंथ कितनी, पहले थी एल, बाई चांस बाद में कितनी हो गई, एल डैश हो गई, ठीक है सर।
चाहे तो यहाँ पे आप एरो अंदर की तरफ कर सकते हैं, एक बाहर की तरफ दिखा सकते हैं, उससे क्या फायदा होगा, एक बार खींच रहे हैं एक बार दबा रहे हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें कोई टेंशन नहीं। तो किसी रॉड की लेंथ में होने वाला चेंज और ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम लोग कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। ये देखो मान लिया लंबाई पहले कितनी थी, एल थी, बाद में कितनी हो गई एल डैश, चेंज कितना हुआ एल डैश माइनस एल, ओरिजिनल कितनी है एल, इसे लिख सकते हैं डेल्टा एल, लिखेंगे ई से। इस फार्मूले को भी गौर से देख लीजिए काम में आएगा, ई इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल। फिर इसमें भी वही टेंजेंशियल स्ट्रेन होती है आपकी, उधर की तरफ हमने दिखा दिया मान लिया एक्स बढ़ गई है इसे खींचने पे, तो स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ कितनी है एक्स, ओरिजिनल कितनी है एल, तो इसे लिखते हैं फाई से, फाई इक्वल टू होता है एक्स अपॉन एल। ठीक है भाई, तो आज हम लोगों ने बात करी है इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी, उसके बाद प्लास्टिसिटी, और उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन। सरल भाषा में कहें तो आपको दो फार्मूले याद रखने हैं। बताइए स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस को लिखते हैं एफ एस से, और फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया। पहला फार्मूला आज के इस क्लास से आप बिल्कुल याद कर लें, सरल भाषा में प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दूसरी होती है स्ट्रेन को काहे लिख दे रहे हम लोग ई से, चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, यानी लंबाई में वृद्धि या लंबाई में कमी बटे में ओरिजिनल लंबाई, से काहे लिखा करेंगे हम लोग ई से। ये दो फार्मूले आप आज के क्लास से याद करें, बाकी कुछ बहुत ज्यादा इस क्लास से नहीं आता है। ठीक है, अभी कल हम लोग चर्चा करेंगे हुक्स लॉ, पेपर में आता है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यंग मॉडुलस, पेपर में आता है, कल हम आपको पेपर भी दिखाएंगे अगले क्लास में, प्रॉपर चीजें आती इन सबकी डेफिनेशन के बाद, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे बाईटा सिग्मा, बाई के सिग्मा, इन सबके बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 नंबर लॉन्ग में आता है। तो अगले क्लास का इंतजार करिए, हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।